एक बार एक शैतानी शक्तियों वाला रंगीन सेब जंगल में उतरता है। वहाँ आते ही वह जंगल के जानवरों पर अपनी शक्तियों से हमला करता है और उन्हें वहीं मार डालता है। उसके आ जाने से जंगल में हड़कंप मच जाती है। वहीं उसी जंगल में तीन रंगीन शेर भाई रहा करते थे। वह तीनों शेर अद्भुत खुशहाली और बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। वह तीनों हमेशा एक साथ रहते थे और जंगल को संभाल रहे थे। उन तीनों रंगीन शेर भाइयों में बहुत प्रेम था। वह हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमेशा एक दूसरे की सलाह लिया करते थे। वहीं वह शैतान शक्तियों वाला रंगीन शेर अपना रूप बदल लेता है और जंगल में एक गाय का शिकार कर लेता है। उसे शिकार करते हुए एक भैंस देख लेती है। भैंस यह देखकर घबरा जाती है और उसी समय सफेद शेर के पास आ जाती है और कहती है, शेर महाराज, तुम्हारे भाई हरे रंग के शेर ने अभी अभी हमारे जंगल की एक गाय को मार डाला। अरे भैंस, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा भाई हरे रंग का शेर बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम तीनों भाइयों को जंगल के कानून पता हैं। मेरे भाई अपने ही जंगल के जानवर के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। परंतु शेर महाराज, मैंने अपनी आँखों से हरे रंग के शेर को उस गाय को मारते हुए देखा है। अच्छा गाय, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी अपने भाई हरे शेर को यहाँ बुलवाता हूँ। तब सफेद शेर अपने भाई हरे रंगीन शेर को अपने पास बुलाता है। अरे भाई, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज हमारे जंगल की एक गाय को मार डाला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आज सुबह से ही पास वाले जंगल में घूमने गया था। मैंने किसी भी गाय का शिकार नहीं किया। देखो हरे रंगीन शेर, तुम्हें गाय को मारते हुए इस भैंस ने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इसी समय इस जंगल को छोड़कर चले जाओ और जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होती तब तक तुम यहाँ वापस लौट कर मत आना। यह कहकर सफेद शेर अपने भाई हरे रंग के शेर को जंगल से निकाल देता है। उधर रात होते ही उस शैतानी शक्तियों वाले शेर का रंग फिर से बदल जाता है और वह नीले रंग का हो जाता है। रंग बदलने के बाद वह शेर रात में ही शिकार करने लगता है और एक साथ कई जानवरों को मार डालता है। वहीं उसे ऐसा करता एक भालू देख लेता है। सुबह होते ही भालू सफेद शेर के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। भालू की बात सुनकर सफेद शेर पहले तो हैरान हो जाता है और फिर गुस्से से कहता है, भाई यह तुम दोनों को क्या हो गया है? पहले हरे शेर और फिर तुमने हमारे जंगल के नियमों को तोड़ा है। आज से तुम मेरे भाई नहीं हो। जाओ और तुम भी इस जंगल से निकल जाओ। यह कहकर सफेद शेर अपने भाई नीले रंगीन शेर को भी जंगल से निकाल देता है। उस दिन सफेद शेर निराश होकर एक जगह आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां अचानक आसमान से एक जादुई दरवाजा जंगल में उतरता है और उस दरवाजे के अंदर से एक जादुई सुनहरा शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर सफेद शेर के पास आता है। उस सुनहरे शेर को देखकर सफेद शेर कहता है, अरे गोल्डन शेर, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में आज पहली बार देखा है। हाँ सफेद शेर, मैं एक गोल्डन शेर हूँ और एक जादुई दुनिया से आया हूँ, परंतु तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ सफेद शेर, तुम्हें क्या परेशानी है? तब सफेद शेर गोल्डन शेर को सारी बात बताता है कि उसके दोनों भाइयों ने जंगल के जानवरों को मारकर जंगल के नियमों को तोड़ा है और उसके साथ गद्दारी की है। तब गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से देखता है कि यह सब उस शैतानी शक्तियों वाले रंगीन शेर ने किया है। गोल्डन शेर कहता है, सफेद शेर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे दोनों रंगीन भाई बेकसूर हैं। यह सब एक दुष्ट शैतानी शक्तियों वाले रंगीन शेर ने किया है। वह शैतानी रंगीन शेर हर रात अपना रंग बदलता है। उसने रात में अपना रंग बदला और जंगल के जानवरों को मार डाला और सारा इल्जाम तुम्हारे दोनों भाइयों पर आ गया। परंतु गोल्डन शेर, उस शैतान शेर के पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आईं? सफेद शेर, हुआ कुछ यूं कि एक दिन हमारी जादुई दुनिया में अचानक से एक साधारण शेर आया। वहाँ आकर उसने हमारे महाराज से कहा, हे शेर महाराज, मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं अपने लिए दो वक्त का खाना तक नहीं जुटा पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। तब उसकी पीड़ा सुनकर हमारे शेर महाराज को उस पर दया आ गई और हमारे महाराज ने उसे अपने साथ रहने को कहा। हमारे महाराज ने उसे रहने के लिए जगह दी और उसे कुछ शक्तियाँ भी प्रदान की। लेकिन उस दुष्ट शेर ने हमारे महाराज के साथ गद्दारी की और हमारे महाराज से मिली हुई शक्तियों को पाकर उसे बहुत घमंड हो गया। एक रात चुपके से वह दुष्ट हमारी दुनिया से भागकर यहाँ आ गया। अच्छा गोल्डन शेर, तो यह बात है, परंतु गोल्डन शेर, उस शैतानी रंगीन शेर को रोकने का कोई तो उपाय अवश्य होगा। हाँ सफेद शेर, हमारे महाराज से मिली हुई सभी शक्तियाँ रात होते ही उस शेर से बाहर आ जाती हैं। उस समय वह सिर्फ एक साधारण शेर होता है, परंतु सुबह होते ही उसकी शक्तियाँ वापस उसके अंदर आ जाती हैं। गोल्डन शेर की सारी बात सुनकर सफेद शेर सबसे पहले अपने दोनों भाई हरे और नीले रंग के शेर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। फिर रात होते ही तीनों रंगीन शेर भाई उस शैतानी रंगीन शेर के पास
पास आ जाते हैं। अरे दुष्ट रंगीन शेर, तेरा खेल खत्म हुआ। तेरी वजह से मैंने अपने भाइयों पर शक किया और तूने हम तीनों भाइयों में फूट डाली। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर तीनों रंगीन शेर भाई उस शैतानी शेर पर हमला करते हैं और उसको वहीं मार डालते हैं और वापस अपने जंगल में सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर आ जाता है। यहाँ आकर कालिया शेर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है। दूर कहीं एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में कुछ अद्भुत रंगीन शेर रहते थे। वह सभी रंगीन शेर एक साथ मिलकर शिकार करते और सभी मिलकर बड़े मजे से एक साथ भोजन किया करते थे और उस जंगल में बाकी सभी जानवरों के साथ खुशी से रहते थे। परंतु एक दिन अचानक से उन रंगीन शेरों के जंगल में एक भयानक शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर आ जाता है। यहाँ आकर कालिया शेर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है। वह किसी जानवर को अपना शिकार बनाता तो किसी जानवर पर अपनी शक्तियों से हमला करके उसे वहीं मार डालता। उसे देखकर जंगल में हाहाकार मच जाती है। जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं एक भालू पेड़ के पीछे छिपकर कालिया शेर का यह आतंक देख रहा होता है। भालू उसी समय अपनी जान बचाकर भागता हुआ रंगीन शेरों के पास आता है और कहता है, बचाओ बचाओ रंगीन शेर भाइयों, हमारी रक्षा करो। भालू की बात सुनकर रंगीन शेर बोलता है, अरे अरे भालू क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? शेर भाइयों, हमारे जंगल में एक शैतान शक्तियों वाले कालिया शेर घुस आया है। वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली है। वह हमारे सभी जंगल के जानवरों को एक एक करके मार रहा है। उसके आतंक से पूरे जंगल में हाहाकार मच गई है। भालू की बात सुनकर रंगीन शेर बोलता है, अरे भालू यह तुम क्या कह रहे हो, हमारे जंगल में आज तक ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी उस दुष्ट शेर का पता लगाता हूँ। अरे हरे और नीले शेर भाई, तुम दोनों इसी समय जाकर देखो और पता करो कि वह दुष्ट कालिया शेर कौन है। हरा और नीला दोनों रंगीन शेर उसी समय उस कालिया शेर के सामने आ जाते हैं। वह देखते हैं कि कालिया शेर ने जंगल में आतंक मचा रखा है और जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। यह देखकर दोनों रंगीन शेर शैतान कालिया शेर के पास आ जाते हैं। अरे दुष्ट कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसकर हमारे जानवरों पर अत्याचार करने की? तू इसी समय यहाँ से भाग जा, वरना तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। रंगीन शेरों की बात सुनकर कालिया शेर कहता है, मूर्ख रंगीन शेरो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं यहाँ इस जंगल में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। आज से यह जंगल मेरा है। तुम सब रंगीन शेर भाई आज से मेरे दास बनोगे और मैं तुम्हारा राजा बनकर इस जंगल पर राज करूँगा। अरे मूर्ख, तेरा यह ख्वाब हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। यह कहकर दोनों रंगीन शेर उस कालिया शेर पर हमला करते हैं, परंतु कालिया शेर अपनी शक्तियों से उन दोनों रंगीन शेरों को उसी समय पत्थर का बना देता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है। जंगल में अपना आतंक मचाता हुआ है कालिया शेर रंगीन शेर भाइयों के पास आ जाता है। कालिया शेर को वहां देखकर सभी रंगीन भाई हैरान हो जाते हैं। भाइयों लगता है यह वही शैतान कालिया शेर है जिसके बारे में तुमने बताया था भालू। सरकार अब यह शेर हमें भी नहीं छोड़ेगा, अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं भालू, तुम घबराओ मत, मारे होते हुए यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी दो रंगीन शेर उस कालिया शेर पर हमला करने जाते हैं। कालिया शेर उन दोनों को भी अपनी शैतानी शक्तियों से पत्थर का बना देता है। फिर वह कालिया शेर भालू को भी एक पत्थर का बना देता है। यह सब देखकर एक लाल रंगीन शेर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और भागता हुआ एक पेड़ के पास आ जाता है जहाँ उसे एक गाय खड़ी दिखाई देती है। वह गाय के पास आता है और कहता है, गाय बहन क्या तुम्हें पता है, हमारे जंगल में एक शैतान शक्तियों वाले शेर ने हमला कर दिया है। उसने हमारे सभी रंगीन शेर भाइयों को पत्थर का बना दिया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अभी गाय कहती है, हाँ हाँ शेर भाई, मुझे पता है, उस दुष्ट कालिया शेर से बचने के लिए ही मैं यहाँ छिपी हुई हूँ। गाय बहन अब हम क्या करें, आखिर इस शैतान कालिया शेर को रोकने का कोई तो उपाय होगा। शेर भाई, पास के जंगल में एक सफेद जादुई शेर रहता है, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करता है। मेरे ख्याल से हमें उस जादुई सफेद शेर के पास चलकर उससे मदद मांगनी चाहिए। लाल रंगीन शेर और गाय उसी समय पास के जंगल में उस जादुई सफेद शेर के पास आ जाते हैं और सफेद शेर को सारी कहानी बता देते। रंगीन शेर और गाय की बात सुनकर सफेद शेर कहता है, ठीक है शेर भाई, तुम मुझे इसी समय उस कालिया शेर के पास ले चलो। लाल रंगीन शेर और गाय सफेद शेर को वापस अपने जंगल में उस कालिया शेर के पास आ जाते हैं। जादुई सफेद शेर को देखकर शैतान कालिया शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ लगाने लगता है और सफेद शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करता है। सफेद शेर भी बदले में अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करता है। उन दोनों के बीच शक्तियों की घमासान लड़ाई होती है, परंतु जल्द ही
कालिया शेर की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। सफेद शेर मौका मिलते ही कालिया शेर पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। कालिया शेर को मारने के बाद सफेद शेर अपनी शक्तियों से सभी पत्थर बने जानवरों को वापस पहले जैसा कर देता है। यह देखकर सभी रंगीन शेर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर सफेद शेर का धन्यवाद करते हैं।